और 9 बजे हम निकल रहे हैं हर्षल से। गुड मॉर्निंग, इज द थर्ड डे, वी आर आउट ऑफ आवर हाउस। तो आज लास्ट डे हमारा, मतलब अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। बाइक्स जो है पूरी लोडेड हैं अभी, और अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। मैं पूरा रेडी हूँ, सब गियर्स वगैरह पहने हुए हैं, जैकेट वगैरह रखी है। अभी मेरा पैकटॉक चार्ज हो रहा है, वैसे मैंने कल चार्ज करा था, उसके बाद यूज़ भी नहीं करा। तो एक बारी सामने से आप देखो कैसा व्यू आ रहा है यार। और हमारा जो है बिल भी आ गया, अंकल लेकर आ गया। तो बस निकलते हैं अभी, इट्स टाइम टू लीव हर्षल। आई एम द सेकेंड वन, आगे पुनीत भाई हैं। अभी 9 बजे हैं और 9 बजे हम निकल रहे हैं हर्षल से। जिस होटल में हम थे वो अराउंड 1300 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं, बट हमने थोड़ा बार्गेन करा था तो वो 1000 रुपये हो गए थे। तो अभी हमारा बिल बना था चाय वाय मिला के, जो हमने एक्स्ट्रा जो ली थी और मैगी वगैरह जो हमने पकाई थी, तो हमारा 2137 रुपये, यानी 2137 रुपीज़ फॉर सिंगल पर्सन। रात के टाइम हम यहाँ पे बैठे थे और बहुत शांति थी यहाँ पे, कोई लाइट वाइट नहीं जल रही थी और फुल मून था रात, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। यहाँ की पार्किंग है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहीं पर अपनी बाइक वगैरह लगा। हर्षल की ब्यूटी तो हमने छोड़ दी पीछे, अब ये लगभग 20 या 15 किलोमीटर बाद आई थिंक ऐसा ही है उत्तरकाशी भी आ ही गया, और वहाँ से भी हम जल्दी से ही क्रॉस कर देंगे। नीचे से ना पूरा बहुत ज़्यादा ओपन है एरिया, और ऐसा लग रहा है जैसे दो रिवर्स इकट्ठी मिल रही हों, एक ये वाली और एक दूसरे से पूरा वो जो वाटरफॉल जो आ रहा है या रिवर ही है वो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, वो बहुत नैरो सी रिवर है, वो दो जने मिल रहे हैं, दो इकट्ठी मिली हुई है। तो अभी जो है ना धनौल्टी के लिए हमने ले चुके हैं हम राइट इस रोड से, और काफ़ी कर्व्स वाले रोड हैं यहाँ पे, तो उसी से पूरा मज़ा आता है यार इस वाले रोड पे चलाने के लिए चलाते हुए। बट ग्रेवल्स हैं इस वाले रोड पे काफ़ी ज़्यादा, और रोड जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट अभी पीछे वाला रोड काफ़ी सही था गाइस। ये देखो गाइस क्या हालत हो चुकी है अपनी बाइक की और अपनी भी। बस यार निकलता हूँ मैं। राइट नाउ इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग, और घर पहुँचते पहुँचते अराउंड 3 घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे को, ईजिली 3 घंटे लग जाएंगे। तो हो सकता है 8 बज जाएँ रात के, बट मैं उससे पहले थोड़ा चलाने की कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी। बट वैसे तो देखते हैं, निकलते हैं यार बस। ओके देन, यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है गाइज, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं पूरा डस्ट में था अभी तक, मैंने 504 किलोमीटर्स अपनी बाइक चला चुका हूँ मैं, अभी 100 किलोमीटर्स और पूरा करना है कवर। कमेंट सेक्शन में बताना यार कैसा व्यू है यहाँ का। सो गाइज इट्स 6:52, लगभग 7 ही बज चुके हैं अभी, एंड मैं अभी मोहन क्रॉस कर रहा हूँ यार, और बाइक जो है खड़े होकर चला रहा हूँ।
बिकॉज मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गया था. इट्स ऑलरेडी 9 आवर्स, हाँ 9 घंटे हो गए हैं लगभग बाइक चलाते हुए. वी हैव कवर्ड 575 किलोमीटर्स, आई मीन टोटल ओवरऑल. तो अभी आई हैव 45 किलोमीटर्स मोर टू गो. इट्स वेरी टायरिंग डे एंड आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड यार, बहुत ज़्यादा. बट अभी मैं एक ब्रेक लेने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे ही हाईवे स्टार्ट होता है. सो एज सून एज द हाईवे स्टार्ट्स आई विल ड्रिंक माई जूस. इट विल हेल्प मी गेन सम एनर्जी. मज़ा आया यार राइड करके. इट वॉज 3 डेज राइड. धनौल्टी से लेफ्ट वाला जो हमने टर्न लिया था वहाँ पे अराउंड 15 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स का पैच पूरा का पूरा ख़राब था गाइज. और इट वॉज सो डस्टी कि हम पूरे के पूरे वाइट हो चुके थे. ये जब हम जा रहे थे तब इतना नहीं था ख़राब, बट आते हुए बहुत ज़्यादा ख़राब था. आई डोंट नो वाई. थैंक्स अल्लाह फॉर दिस मेकिंग माई ट्रिप सो वंडरफुल. स्टॉप आ बाइक ओवर हियर. ऐसी लग रही है यार, कमेंट सेक्शन में बताना आप प्लीज़. अमेजिंग फुल मून. सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. और कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को. बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.